दोस्तों कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स ये मेरा लास्ट ईयर का गुलदावदी है और ये मैंने कटिंग से लगाई हुई थी और फ्लावर बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे, तो मैं वही प्लांट को इस बार लगाने वाली हूँ। और फिलहाल आप देख सकते हो बहुत ही मतलब पुराना प्लांट है, आपको नज़र ही आ रहा होगा। तो इसको मैं इनसे फिर से दोबारा फ्लावरिंग लेने वाली हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ बातें होती हैं ध्यान रखनी होती है, प्लांट के साथ कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करनी रहती है, तो वही चीज़ें आज हमें करनी है। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्या क्या मैं करने वाली हूँ देखिएगा वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कलियाँ भी आने लगी हैं, तो मैं अभी इनको पिंच करूँगी, रिपोर्ट करूँगी, फर्टिलाइज़र दूँगी, तो उसके बाद में इनसे मैं फ्लावर लूँगी। फ्लावर अभी इनसे फ्लावर नहीं लेना है क्योंकि मुझे अच्छे से इनमें फूल लेने हैं, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना होता है। तो ये मेरा पुराना प्लांट है, यानी कि एक साल पुराना प्लांट है, तो इसी में मैं लगाने की इसको मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ गमले में, क्योंकि इसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह मैं दूँगी तो अच्छे से काम नहीं करेगा। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ फ्रेंड्स, ये मैंने पॉट लिया हुआ है, मेरा ओल्ड पॉट है, ऑनलाइन मैंने परचेज़ किया था, थोड़ा सा डैमेज हो गया उठाने रखने में। फिलहाल बहुत ही अच्छा है, धूप में अच्छे से चल जाता है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टूटे हुए गमले के कुछ टुकड़े थे वही डाले हुए हैं ताकि ड्रेनेज अच्छा इसका हो सके, तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें मिट्टी भरनी है हमें, और उसके बाद में ये जो हमारा गुलदावदी क्राइसेंथेमम में वो डालना है। तो मिट्टी मैंने यहाँ पे बता दो फ्रेंड्स, अब बिल्कुल सिंपल सॉइल तैयार करी हुई है, इसमें गार्डन सॉइल है, राइस हस्क है और सैंड सॉइल है। थोड़ा सा इसमें मैंने फंजीसाइड मिलाया हुआ है, DOP के दाने, जो कि गुलदावदी पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इन्हें ज़रूर इस तरीके से सॉइल तैयार करेंगे तो वेल ड्रेन सॉइल होगी, आपके जो पौधे होंगे वो अच्छे से सर्वाइव करेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। तो मिट्टी थोड़ा सी बनी, बाकी गमले के जो पौधे हैं उनका जो साइज वो भी चाहिए होता है कितना में करना है। तो ग्रो बैंक मैंने ही बनाया हुआ था और मैंने ही कटिंग लगाई हुई थी, तो फिलहाल देखते हैं फटता है या नहीं, बहुत तो मुश्किल हो रही है। पहले मैं इनको खोल लेती हूँ, उसके बाद में रिपोर्टिंग करूँगी। कुछ इस तरीके से मेरा प्लांट निकल के आया है, तो पहले थोड़ी सी मिट्टी हटाऊँगी उसके बाद में लगाऊँगी मैं। और देख सकते हो कितनी मतलब ज़्यादा इसमें रूट घनी हो गई है। तो एक साल का प्लांट है तो आपको पता ही होगा कितना मतलब यू जड़ें हो सकती हैं, तो पहले मैं इनको हटा लूँ उसके बाद में लगाऊँगी। सारा नहीं हटाना है, और एक कलर के नहीं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के थे, तो बट मैं एक ही पूरे कमरे में लगा दूँगी, अलग नहीं करना है मुझे। देख सकते हो कितनी ज़्यादा इसमें रूट हो गई हैं। और गुलदावदी की जो मतलब फ्रेंड्स प्लांट्स होते हैं ना, बहुत ही हार्डी प्लांट्स होते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा और मिट्टी इसमें मैं डालूँगी ताकि ये थोड़ा सा ऊपर आए। तो यहाँ मैं और मिट्टी ले रही हूँ, अब इसमें पौधे को रखना है यहाँ पे। अब मिट्टी डालनी है फ्रेंड्स, और जब भी आप अब यहाँ पे इस तरीके से फ्रेंड्स मिट्टी डालनी है हमें, और जब भी आप फ्रेंड्स रिपोर्ट करते हैं थोड़ा सा पौधा है, आप छाँव में कुछ दिन के लिए रख दीजिएगा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब अच्छे से सेट हो जाएगा उसके बाद में आप इसमें इसको धूप दिखाइएगा, फर्टिलाइज़र भी दीजिएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे मैंने पुराने पौधे को रिपोर्ट कर लिया है, अब मुझे इसको रिमूव करना है। तो कुछ टूट खुद ब खुद टूट जा रहे हैं, तो कुछ मैं खुद तोड़ूंगी इस तरीके से। आप चाहें तो सीजर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ सीजर नहीं यूज़ कर रही हूँ, ऐसे ही तोड़ दूँगी। हार्ड प्रूनिंग करूँगी, पिंचिंग तो नहीं बोलेंगे इस तरीके से। और चाहे तो इनकी कटिंग भी आप फिर से लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं, मैं देखूँगी अगर मन होगा तो लगा दूँगी। फिलहाल तो ये इस तरीके से तोड़ सकते हैं, और फ्लावरिंग फ्रेंड्स कुछ टाइम में आएगी, अभी टाइम है फ्लावर आने में। तो आप भी आपके पास अगर पुराने प्लांट्स हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हो फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे से फ्लावर देने वाले हैं पुराने पौधे जो हैं। उसके बाद पानी देना है फ्रेंड्स, तो पानी में बाद में दे दूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तब तक ले फ्रेंड्स, बाय बाय।